हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिनसिबुल राठौर सो एज वी ऑल नो क्रेटा का नया फेस जो है वो लॉन्च हो चुका है तो अब लोगों के मन में ये डाउट्स है कि हम अगर क्रेटा खरीदना चाहते हैं तो हम उसका कौन सा वेरिएंट खरीदें कौन सा वेरिएंट हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा इसका सिंपल आंसर ये है कि भाई पहली बात तो आपके वो बजट पर डिपेंड करता है अगर आपका बजट बारह तेरह लाख का ही है तो यू विल हैव टू गो विद द बेस वेरियंट एंड अगर आप पूरे 20-25 लाख रुपए खर्चना चाहते हो तो आप टॉप एंड वेरिएंट्स पे जाओ पर टॉप एंड वेरिएंट्स पे जाने से अच्छा है यू कैन आल्सो बाय अ कार लाइक द दुडाई दिड वेरियंट एक्स यू वी सेवन डबल हो खैर ये सब तो सोचने वाली बातें हैं जो आप एज अ कस्टमर सोचेंगे अभी हम बात करते हैं इन सब वेरियंट्स की एंड लेट्स अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द ऑलियंट्स ऑफ द हुडाइ क्वेटा सो द फर्स्ट वेरियंट विच दे हैव शोकेस्ड इज वेरियंट ई इस वेरिएंट में आपको दो इंजन मिलते हैं एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन दोनों आपको मिलते हैं इन मैनुअल ट्रांसमिशन नॉट इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है दैट इज 12 लाख रुपीस एंड डीजल वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है दैट इज 14 लाख रुपीस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरिएंट। जो अगला वेरिएंट है वो है आपका ई एक्स वेरियंट ई एक्स वेरियंट में अगेन यू हैव टू है ऑप्शन लीटर पेट्रोल The other is 1.5 liter diesel, and again, both in manual transmission. The petrol variant is 13 lakh rupees, and diesel variant is 16 lakh rupees on road. Then, the next variant that you get is the variant S. Again, in these two options, both manual transmission, petrol 14.97 lakhs, diesel being 17.54 lakhs. Then, the next variant you have is your S optional variant. अब इसमें थोड़े ज्यादा ऑप्शन हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू हैव बोथ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड आई वी टी ट्रांसमिशन ऑल राइट एंड जो आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है दैट सिक्सटीन पॉइंट जीरो वन लैख एंड द आई वीटी ट्रांसमिशन इज सेवनटीन पॉइंट सिक्स नाइन लैख एज फार एज द डीजल वेरियंट इज कंसर्न डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन आपका है एटीन पॉइंट सिक्स फोर लैक्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ट्वेंटी पॉइंट फोर्टी लैक्स का उसके बाद आपका आता है एस वेरिएंट अगेन स्लाइटली मोर हाई वेरिएंट्स बहुत है इसमें तो ज्यादा फीचर्स होंगे टेक लोडेड होगा ज्यादा चार्जिंग पोर्ट्स रहेंगे इसमें इन जनरल और लग्जोरियस फील आपको वेरियंट देगा इसमें वन पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल वेरियंट है मैनुअल ट्रांसमिशन सेवनटीन पॉइंट 1.5 लीटर पेट्रोल वेरिएंट आई वी टी ट्रांसमिशन इज 19.50 लाख फाइव 1.5 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन इज लाख एंड नाउ रईजो वाला वेरियंट एक्सएक्स ऑप्शनल हमेशा से SXO जिसमें लिखा होता है टॉप एंड वेरिएंट जिसमें सारे फीचर्स फीचर लोडेड टोटली सब कुछ सनरूफ वगैरह एवरीथिंग ये आपका है इसमें आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शन हैं. 1.5 लीटर का आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिलता है

एंड विद मैनो ट्रांसमिशन दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो सेवन लैक्स एंड वन पॉइंट फाइव लीटर का डीजल इंजन मिलता है विद ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन अगेन थोड़ा महंगा है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव फाइव लैक्स तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्रेटा का कौन सा वेरियंट खरीदना है मेरा सजेशन जहां तक है जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है गाड़ियों की धीरे धीरे मैं उसको बढ़ा रहा हूँ मेरे ख्याल से क्रेटा जैसी गाड़ी जो एक फाइव सीटर कॉम्पैक्ट एच यू वी है उसके ऊपर ऑन रोड अट्ठारह लाख रुपए से ज्यादा खर्चना आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया हालांकि सबकी अपनी मर्जी है जिसको जो खरीदना है एंड आप टॉप एंड वेरियंट लोगे आपको ज्यादा लग्जरी मिलेगी नो डाउट बट जहां पे प्राइस पॉइंट 20 लाख के ऊपर जाता है आई मीन कम ऑन यू कैन गो फॉर द टॉप वेरिएंट ऑफ द हुडा एलकजार एट द सेट यू कैन गो फॉर द मिड वेरियंट ऑफ द एक्स यू वी सेवन डबलो यू कैन गो फॉर सम वेरियंट ऑफ द सफारी यू कैन गो फॉर द हॉन्डा एलिवेट फॉर द किया सेल टॉस देर आर सो मेनी ऑप्शन एम जी हेक्टर का जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा इतने में इससे कम में 25 लाख ,00 से कम में सो काफ़ी ऑप्शंस हैं तो क्रेटा को लेके आई वुड से द बेस्ट वेरिएंट टू गो फॉर वुड बी द एस ऑप्शनल वेरिएंट बिकॉज इसके फीचर्स वगैरह भी मैं पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है फीचर्स को हम डिटेल में बाद में डिस्क्राइब करेंगे विद द कार फिजिकली इन फ्रंट ऑफ आस अभी आपको सिर्फ मैं प्राइस पॉइंट्स बता रहा था आज ही गाड़ी लॉन्च हुई है तो ये प्राइस पॉइंट्स है मेरे हिसाब से एस ऑप्शनल वेरियंट विल बी द बेस्ट फॉर यू Stay awaited and I will soon post the detailed review of this car on this channel and subscribe. will is iska in-depth review direct from the car. Thank you for watching and stay tuned.